के बाद अब लड़का आ रहा है भाई, घुमाने लेके जाऊंगा भाई आइसक्रीम खिलाने। चलो भाई आइसक्रीम खिलाने जाके माँ बाप भी बोला जाओ बेटा जाओ, मंगनी हुई भी है। फिर रिश्तेदार बोल रहे हैं हाँ ना कोई मसला वाली बात नहीं है, मंगनी हुई भी है ना बेटा, मंगनी हुई भी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज का टॉपिक जो है मेरा वो है मंगनी का, इंगेजमेंट जिसे इंगेजमेंट भी कहते हैं। जो मंगनी मंगनी में होने वाले जो अजीब हरकत हैं, अजीब हरकत ही कह लें, जो मंगनी में होने वाली अजीब हरकत हैं, मैं उसके उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करूँगा, अल्लाह करे कि समझ आए लोगों के। अच्छा मंगनी जो आजकल मंगनी हो रही है ना, वो हो रही है कम्बाइंड, लड़की और लड़का जैसे वलीमा हो रहा था वैसे आजकल मंगनियाँ शुरू कर दी हैं लोगों ने। और वो लोग हैं जो पहले जिनकी बेटियाँ पर्दों में रही हैं, जिनके बेटे नमाज ही पढ़े थे माशाल्लाह से बड़े नेक लोग, उन्होंने पहले तो कुछ नहीं करा, अब हो गई उनकी मंगनी, उन्होंने साथ बिठा दिया भाई, अब पूरा मजमा जमा हुआ भाई, मजमा जमा हुआ भाई, अब बोल रहे लो बेटा मेरी बेटी का हाथ लो, अपने हाथ में उसको अंगूठी पहनाओ। ये बड़े माशाल्लाह से नेक लोग, अब क्या उसके बाद चलो भाई मंगनी हो गई। अब इसको कोई लोग बुरा भी नहीं समझ रहे, तो लोग बुरा नहीं समझ रहे तो ये काम बुरा होगा भी नहीं, क्योंकि आप बोलते हैं कि भाई जो लोग बुरा समझ रहे हैं ना वही उसी गुनाह से बचना है, बाकी किसी से नहीं बचना, बाकी जाने दो सब। अब क्या हो रहा है उसके बाद चलो भाई मंगनी तो हो गई, अब मंगनी के बाद कॉल पे बात करनी है, कॉल पे बात कर लो भाई, अब लोगों को पता चल रहा है नहीं नहीं कोई मसला वाली बात थोड़ी है, मंगनी हुई भी है ना, अच्छा भाई मंगनी हुई भी है। उसके बाद अब लड़का आ रहा है भाई, घुमाने लेके जाऊँगा भाई आइसक्रीम खिलाने। चलो भाई आइसक्रीम खिलाने जाके माँ बाप भी बोला जाओ बेटा जाओ, मंगनी हुई भी है। फिर रिश्तेदार बोल रहे हैं हाँ ना कोई मसला वाली बात नहीं है, मंगनी हुई भी है ना बेटा, मंगनी हुई भी है। सही है भाई मंगनी हुई भी है। अब वो लड़का लेके घूम रहा है भाई, साल डेढ़ साल दो साल मंगनी रही, अब उसके बाद मंगनी टूट गई, मंगनी ही टूट गई भाई। अब लड़का कह रहा भाई लड़की तो सही नहीं है ये, क्यों सही नहीं है भाई, ये तो आवारा लड़की है। अब या लड़के को बोल रहे हैं भाई ये लड़का सही नहीं है, तो भाई पहले तो आपने तो इजाज़त दी थी उसको घुमाने की, और अपनी बेटी को खुद घुमाया था, बोले जाओ बेटा मंगनी हुई है क्या हुआ शादी हो जाएगी, भाई भाई तो हुई तो नहीं थी ना शादी, अभी तो वैसे नामहरम तो जैसे दूसरा था वो किसी और गैर महरम, अभी शादी थोड़ी हुई निकाह थोड़ी हुआ है भाई। लेकिन क्या कहने कहने मतलब यही है कि जो लोगों को बुरा लग रहा है ना हम उस चीज़ से तो बच रहे हैं, लेकिन जो हमारा दीन हमें बता रहा है जिस चीज़ के बारे में कि ये काम नहीं करो, उस पर हमारे कोई भाई कानों पे जू नहीं रंग दी। वो कह रहा है कि जो लोगों की नज़र में बुरा काम है ना वह उससे बचो। अब ऐसा हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे, कि अब ऐसा चल रहा है कि भाई जो लोग जिस चीज़ को बुरा बोलें, अगर आज शराब पीने को लोग बुरा बोलते हैं ना तो कोई शराब पी नहीं रहा, जो पी रहा वो चुपके पी रहा है भाई, लेकिन फिल्में ड्रामे सब साथ चल रहे हैं, सब फैमिली बैठ के देख रही होती है, क्यों देख रही है, क्योंकि लोगों को बुरा थोड़ी लग रहा है, कोई आप मेहमान भी आ जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, क्यों वो भी खुद वो खुद देख रहे हैं। और अगर कोई ऐसा काम जो उनको पसंद नहीं हो लोगों को, मतलब मैं अपनी बात करूँगा मुझे पसंद नहीं है काम, तो मैं बोलूँगा अबे भाई ये तो इस्लाम में मना है, ये थोड़ी करूँगा मैं, क्या हो गया तुम्हें पागल हो गए हो क्या। और इस्लाम में दूसरे काम भी मना है भाई, गाने सुनो फिल्में देखो मंगनी के बाद लड़की को लेके घूमो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा मंगनी से पहले लेके जा रहा है तो बड़ा गलत गुनाहगार बंदा है भाई, वो बड़ा बदकिरदार लड़का है, बद किरदार लड़की है, अगर पहले बात कर रही है मंगनी से, मंगनी के बाद वही लड़की और लड़का बात कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा रिश्तेदारी बोलना कोई मसला नहीं है, मंगनी हो चुकी है भाई। भाई जब अगर मंगनी टूट जाएगी फिर उसके बाद क्या होगा, पूरी दुनिया को पता चल गया लेके लड़का लेके घूमता था भाई लड़की को, अब उसकी मंगनी टूट गई, अब कौन करेगा भाई उससे, सोचा कभी नहीं सोचा ना, तो भाई सोच लो, आज की वीडियो का यही पैगाम है भाई, सोच लो।